हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका हम यहां पर सोल्यूशन नहीं, मैं आपको यहां पर जो है वो आंसर्स बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल में सोल्यूशन को हम बात करेंगे। तो ये जो पेपर आपका हेल्ड हुआ है वो 31 अक्टूबर को क्लास नाइन्थ का, ठीक है। तो उसकी जो ये आंसर की है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये लिखा है, एज ब्यूटीफुल एज रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो एग्जाम्पल होगा इसका आंसर डी होगा, स्माइल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, देयर इज बटर ऑन माई टोस्ट। तो इसका आंसर होगा टू मच, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टू मच होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो यहां पर लिखा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पास परफेक्ट यहां पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है द आइटम हिट द नेल ऑन द हेड मींस, इसका मतलब सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है। सी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फाइव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव। तो फाइव में आई वेंट टू क्लास टू टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर आपको ये दो चीजें पता थी तो आप आराम से इसको डी यहाँ पर लगा सकते थे। अगर हम सिक्स की बात करें तो द एंटोनिम्स ऑफ द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का जो एंटोनिम्स होगा, इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नॉलेज, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप सेवन्थ देखें तो सेवन्थ में क्या करें, द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, तो एटिक्वेट क्या है, एटिक्वेट जिसको हम बोलते हैं भाईचारा, तो एटिक्वेट का जो यहाँ पर सही करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, सेवन का आंसर बी होगा। और एट में क्या करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आर यू सॉरी व्हाट यू हैव डन, तो इसका आंसर फॉर हो जाएगा, आर यू सॉरी फॉर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा एट का आंसर बी होगा। नाइन्थ की अगर बात करें तो नाइन्थ का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा, यहाँ पर नाइन्थ का ए करेक्ट आंसर है। टेंथ में अगर हम बात करें तो ये उर्दू का पोर्शन है, यहाँ पर जो आपका है ये लिखा है कि लफ्ज एहसास कमतरी का मतजाद जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मतजाद क्या है, मतलब उसका अपोजिट आपको बताना है यहाँ पर, तो टेंथ का आंसर ए हो जाएगा। मैं फटाफट बता दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको जो है वो डिटेल में हम बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इलेवन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो आपका सी हो जाएगा, ट्वेल्व का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका आंसर क्या होगा, ये लिखा है आपका काफिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सी होगा ट्वेल्थ का। और अगर हम थर्टीन क्वेश्चन की बात करें, थर्टीन क्वेश्चन किधर है, थर्टीन क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक मिनट, थर्टीन क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा। फोर्टीन का हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फोर्टीन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, और 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। तो 16 का क्या है यहाँ पर, बी। और अगर हम 17 की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर इसका सी हो जाएगा, तो 17 का आपका यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। अगर हम 18 क्वेश्चन की बात करें, अग्नि शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर होगा तो वो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आयात शब्द का जो अपोजिट होगा, बिलोम होगा, वो हमारा यहाँ पर निर्यात हो जाएगा, तो 19 का यहाँ पर बी होगा। और 20 ईदगाह जो लिखी है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो 20 का आंसर ए है। अगर हम 21 की बात करें तो 21 में देशभक्ति शब्द में समास है, तो यहाँ पर 21 का आंसर सी होगा, तत्पुरुष होगा, यहाँ पर बहुब्राही नहीं जो है वो तत्पुरुष है। 22 की बात करें, सुदामा चरित जो है, देखो ये आपके जो है वो कंटेंट वाले पेज से डायरेक्टली था, तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, नरोत्तम दास। 23 राहुल ने आग में घी डालने का निश्चय किया, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे और आपको करने चाहिए थे, ये उत्तेजित करना इसका आंसर हो जाएगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो इसमें जो आपका 24 है, तो 24 में आपका अतिशोक्ति अलंकार होगा इसमें, ठीक है। घोड़ा घास खा रहा है, इस घोड़े में क्या है, इसमें जाति वाचक, ये एकदम करेक्ट किया है, तो 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर 26 की अगर बात करें तो 26 में कह रहे हैं,
वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, तो फोटोसिंथेसिस इज अ करेक्ट आंसर, मींस 26 का आपका यहाँ पर सी होगा। 27 की अगर बात करें तो 27 में यहाँ कह रहे हैं द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस क्या होगा, फीमेल एडीज मॉस्कीटो, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है 27 का बी होगा। 28 का अगर हम बात करें टैडपोल डेवलप्स इनटू द एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी है। 29 की अगर बात करें तो डीफॉरेस्टेशन लीड्स टू, इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एकदम करेक्ट है 29। और अगर हम बात करें इम्बैलेंस ऑफ द O2 एंड CO2, कभी कभी क्या होता है कि आपको लगा ए सही तो आप करेक्ट लगा है, लेकिन आपको आंसर डी पढ़ना चाहिए, ऑप्शन डी, इसमें बोथ ए एंड बी, तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो डी होगा। और अगर हम 30 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका है दो स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज, ये आपका डायरेक्टली NCERT से सारे क्वेश्चन, एंडेमिक स्पीसीज। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लें 31, तो 31 में अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है जीन्स आर लोकेटेड इन, तो जीन्स लोकेटेड कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। बडिंग इज सीन इन हाइड्रा, मतलब 32 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 33 का आंसर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 34 की अगर बात करें रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ, तो 34 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए। इंडेंजर्ड एनिमल्स का रिकॉर्ड होता है इसके अंदर, ये आपका NCERT से डायरेक्टली, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बन कर अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू अ व्हाइट ब्लड सेल WBC कैन चेंज इट्स शेप, तो 35 का यहाँ आंसर सी है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर आपके। लैरिनिक्स जो है इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 36 में वॉइस बॉक्स होगा, साउंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, 37 का आंसर आपका डी होगा। 38 की अगर हम बात करें, 38 अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड, तो आपको बताना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, एक सेकेंड टाइम पीरियड मतलब होगा एक पूरा जो ऑसिलेट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, तो 20 में आपको 20 सेकेंड, तो एक में कितना लग जाएगा 0.1 सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो 38 का आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर ए है यहाँ पर। 39 की अगर हम बात करें तो 39 में यहाँ पर क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ सन, मतलब 40 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, जो साइरस है वो नहीं है प्लेनेट ऑफ द सन, ओके। 41 वन किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, इसका आंसर बी हो जाएगा। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड इज अ करेक्ट आंसर इज सी, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये जो एम्पलीट्यूड है ये बताती है, ठीक है, ये साउंड जो है वो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट 43 अ डिवाइस विच, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना चाहिए था, ये डायरेक्टली NCERT से है, ठीक है। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो सोनार होगा, ठीक है, सोनार। और 44 की अगर हम बात करें व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो 44 का आंसर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। Which of the following is not a unit of pressure? तो Pascal bar टॉर है, तो Joule is a unit of energy. Energy होती है, 45 का आंसर D हो जाएगा। 46 की बात करें, If the force on the surface is doubled, the area of reduction क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, तो 46 का यहाँ पर आंसर हमारा B हो जाएगा। 47 देख लेते हैं, Internal reflection of the light prevented by the human eye, इसका आंसर आपको सही करके आना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रॉइड, ठीक है, क्रॉइड जो है इसका करेक्ट आंसर है। और 48 की अगर हम बात करें, 48 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस, तो इसका आंसर 48 का यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी। 49 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर होता है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा, है ना, सब सल्फ्यूरिक एसिड इसको होगी, इसमें इन सब में आयंस है, और आयंस होने की वजह से ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारा। 50 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो इसका आंसर आपका होगा ए, पॉलीकॉट, मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन,
ठीक है, ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, 51 का बी आंसर करेक्ट है। और फुल फॉर्म ऑफ द सी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, विच ऑफ विच केमिकल गिव्स राइज इन एसिड रेन्स, तो इसका आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, तो सल्फर इज नॉट अ मेटल, मरकरी सोडियम एंड कैल्शियम आर मेटल, 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा बी। 55 देख लेते हैं, 55 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव देखो इसमें आपका सॉल्ट भी होगा, विनेगर तो बिल्कुल है ही, और इसमें बी में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो 55 का डी करेक्ट आंसर है, सुगर भी होता है। 56 देखो यहाँ से जो है वो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट होगा, तो अगले 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ के होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल, देखो इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में अच्छे से समझाकर। 56 का मैं फटाफट आंसर ए होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, आपको इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना था, तो डी हो जाएगा 57 का डी। और 58 का यहाँ पर आंसर आपका ए होगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है। और यहाँ पर 59 पे फैक्टर्स जो हो जाएंगे 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ए हो जाएगा। 60 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी है, इस बच्चे ने सही किया एकदम करेक्ट। और यहाँ पर 61 की अगर बात करें, 61 में आपका जो होगा 61 का बी हो जाएगा। 62 का अगर बात करें, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 63 का अगर हम बात करें, 63 का सी है करेक्ट आंसर यहाँ पर। 64 देखें तो 64 में फैक्टराइज करना था आपको अगेन, तो यहाँ पर अब देखो 63 का अगर हम देखें 72 x की पावर 6 माइनस 96 एक्स की पावर 7 और y की पावर 6, ठीक है, तो यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 बाहर आ जाएगा और x की पावर 6 बाहर आ जाएगा, तो 24 3 और आपका 3 माइनस ये हो रहा है 4 टाइम्स, और यहाँ पर x बचेगा और y की पावर 6 बचेगा, तो कुछ इस तरह का आपका आंसर। देखो y की पावर 6 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, ये क्या आपका बोनस होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। 64 में 65 अगर देखें तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3, तो ये देखें 3 की पावर -3 तो ये 27 ऊपर आ जाएगा, प्लस ये आपका 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 31 प्लस 1/4 यहाँ पर नीचे ओ, ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने गलत किया, यहाँ पर -2 होगा तब इसका आंसर 35 आएगा। इसका मतलब जो है देखो, तो इस बच्चे ने जो है अब उसने लगा दिया है ना, तो यहाँ पर जो है वो 35 नहीं, ये भी आपका क्या है, बोनस होगा, तो 64 और 5 आपके क्या है, बोनस है। 66 देखें, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर एन एन प्लस में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसका आंसर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी, डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी में दिया। 67 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन द फेसेस नंबर इज, तो आपको रिलेशन जो है वो बताना है कि कौन सा रिलेशन नहीं है, तो 67 का यहाँ पर आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कह रहे हैं कि यहाँ पर इन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स डायमंड्स आर पर्टिकुलरली टू ईच, क्या है लिखा है, डायमंड्स आर पर्टिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर 68 का आपका आंसर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। 69 का देखें, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी केप्ट क्यूबॉइडल बॉक्स साइड्स इतने इतने, तो आपको बताना मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ इसके लिए आपको भी फॉर्मूला लगाना था, आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा इसमें मैथ सी, तो ये आंसर इसका ए है करेक्ट आंसर। 70 देखें, तब आप यहाँ लिखा है, देखो एक मिनट इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगॉन ऑफ एन साइड आपको बताना है, तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना था, ये मैंने आपको जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको ये सारा कराया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 71 द रेसिप्रोकल ऑफ -1 ही आता है, तो 71 का आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 72 की अगर हम बात करें, 72 द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम शोज ऑफ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम शोज, तो यहाँ पर 72 की बात करें तो आंसर डी होगा, करेक्ट आंसर। गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस, तो इसको आपको वैल्यू निकालना है, आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 73 का आंसर आपका सी आ जाएगा, करेक्ट आंसर बच्चे ने किया है। 74 की बात करें, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ अ इक्वेशन टू द अदर साइड,
74 का आंसर आपका ए होगा, ट्रांसपोजिशंस को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन आपकी डी हो जाएगा। 75 का आंसर आपका यहाँ पर डी है, और 76 का यहाँ पर आंसर प्रिज्म ऑफ द हूज लेटरल फेसेस आर, तो यहाँ पर 76 में अगर बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 77 पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, तो पी माइनस क्यू अगर आप बताएं तो ये आपका होगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू किधर गया, हाँ पैरेललोग्राम देन पी, सॉरी पी माइनस आर, ये क्योंकि सेम होते हैं इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जीरो। क्यों, अपोजिट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस ये बताना है आपको, माइनस टू की पावर टू इंटू थ्री माइनस वन, तो इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 78 की सी, माइनस 32 एकदम करेक्ट बच्चे ने किया है। 79 की अगर बात करें, 79 का आंसर ए होगा करेक्ट। 80 की बात करें, 80 का आंसर बी हो जाएगा। 81 का आंसर आपका जो है वो यहाँ पर बी होगा, 81 का आंसर बी है। 82 की अगर बात करें यहाँ पर फाइंड द होल, ठीक है इसको आप देखेंगे तो 82 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 82 का आंसर आपका ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 82 का आंसर ए आएगा। 83 का आंसर अडाइस थ्रोन, ठीक है 80 नंबर ग्रेटर देन 6 जीरो आएगा इसका, 83 का बी होगा। 84 का 5a + 25 इज इक्वल टू बी टू, आपको ए प्लस बी बताना है, तो 84 का आंसर यहाँ पर ए आएगा, 84 का आंसर यहाँ पर ए आएगा। 85 का आंसर यहाँ पर आपका सी आएगा, क्या कह रहे हैं, द पॉइंट 3.4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम, देखो अगर यहाँ देखेंगे तो 3x पे आप 3 जाएंगे और y पे आप 4 जाएंगे, तो 3.4 ये हो जाएगा। तो ये जो है मतलब ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम x है, तो 4 फ्रॉम x होनी चाहिए, 4 फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इस बच्चे ने यहाँ गलत कर दिया, ठीक है। तो इसके आंसर जो हैं वो मैंने आपको बता दिए जो करेक्ट आंसर थे। आई होप कि आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अगला जो है वो मैं डिटेल में इसका सोल्यूशन बनाऊंगा, ये आपको हर क्वेश्चन जो है वो डिटेल में समझाऊंगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती।